फ्रेंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सुबह जैसा ब्लॉग्स। तो आज बहुत ही ज्यादा शानदार दिन है हमारी कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर हो रहा है एक बहुत ही शानदार वाला कार्यक्रम, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक लगा है गेट और उसी की वजह से देख सकते हैं सभी लोग आ रखे हैं यहाँ पर बहुत सारा। हमने भी फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे रोबजा बनाया है सॉरी टंकी के अंदर, ठंडे पानी की बोतल है और ये कुछ लड्डू है और हमारे दोस्त यहाँ रहे। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ भाई एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो कौन आने वाला है चीफ गेस्ट, कुछ पता है? विपिन भैया। विपिन? विपिन कहीं ये विपिन ही तो नहीं जाने वाला, आगे बैठ जाए कहीं। भाई देख सकते हैं वहाँ पर लग चुकी है ये रेड कलर की पट्टी, इसको काटने के लिए भी आने वाले चीफ गेस्ट अभी थोड़ी देर के अंदर। तो देखते हैं क्या मजेदार होता है। धीरे धीरे करके पब्लिक बढ़ चुकी है, ये भी देख सकते हैं आप पीछे, और भी लोग आए जा रहे के सामने हम हमारे मुद्दे रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर रोड नहीं बनी हुई है, जो भी पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो भी चीज़ नहीं है वो हम उनसे करेंगे, आमने सामने बात होगी। तो देखते हैं कि हम क्या बात करते हैं। भाई गाइस काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है और नारी शक्ति बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और पीछे की तरफ और लोग आते जा रहे हैं। और ये हैं हमारी कॉलोनी के अध्यक्ष साहब जो सारी व्यवस्था संभालते हुए। से मातृशक्ति भारत माता की, नौ तपा चल रहा है, लेकिन आज एक अच्छा शुभ कार्य हमारे नीरज विहार श्याम वाटिका की पावन धरा पे हो रहा है और ईश्वर मेहरबान है, शायद मुझे इसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। आप सभी सच्चे दिल से अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और शायद प्रभु की इच्छा भी यही है। तो आज इस सुहाने मौसम में एक सुंदर आसमान के नीचे हम सभी लोग बैठे हैं। हर तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं से हम सोचे कि नेता हमारी समस्याओं को सुन लेगा। नेता तब तक नहीं सुनेगा जब तक हम लोग नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज का जो युग है उसके अंदर अपने खुद के लिए लड़ना पड़ता है। फाइनली यहाँ पे पहुंच चुके हैं हमारे चीफ गेस्ट, जिनको आप देख सकते हैं। श्री सुरेंद्र सिंह जी नाथावत, प्रतिनिधि जिला परिषद सदस्य से। गजेंद्र सिंह जी नगर। सर कोई परेशानी तो नहीं है आपको यहाँ तक पहुँचने में? सुरेंद्र सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं और आज जो ये सुंदर कार्यक्रम आप सभी कॉलोनी वासियों ने किया उसके लिए उसका जो उद्देश्य था उसी के उद्घाटन कार्यक्रम में साहब पधारे हैं और हम सभी यही चाहेंगे कि आप सभी का भाई साहब का आशीर्वाद हमने बनाया उसका विधिवत उद्घाटन भाई साहब के कर कमलों से हम सभी लोग देख पा रहे हैं। आप सभी का साथ सहयोग हमें इसी प्रकार जो विकास से वंचित है ये मुख्य चौकों की विकास हम करवा पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह। अभी जो ये हमारा मुख्य द्वार है उसका विधायक सूता काटने का कार्यक्रम हो रहा है। भारत माता की जय। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है, मतलब जो भी गेट का प्रवेश द्वार का इनॉग्रेशन जो आज चल रहा है यहाँ पे आ चुके हैं। साथ ही में श्री आनंद साथ में महेंद्र सिंह जी को भी स्वागत करें। जो विशिष्ट अतिथि महोदय श्री, इसके पश्चात पुष्पेंद्र पाल श्री भूम सिंह जी गोविंदनगर जी पूजापन करके उनका स्वागत करें। इसके बाद में कैप्टन सीताराम जी नीरज विहार को भी, मनदीप जी आप भी मंच पर आके, श्री भवानी सिंह जी श्री विजय जी चौधरी गोविंदनगर जी श्री श्रीलता जी के द्वारा श्रीमती रेणु जी को मार्गदर्शन किया जाए। सभी तालियों से गणराज जी का सम्मान करें एक बार, क्योंकि सभी तालियों से स्वागत करें श्री ओमकार जी का। विजय जी चौधरी गोविंदनगर जी स्टेज पर पहुंचकर कविता जी का मार्गदर्शन तो नीरज बिहार स्टेज पर पहुंचकर शंकर जी का सम्मान करें। यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि सुरेंद्र जी नाथावत
गजेंद्र सिंह जी नंगली और नारायण जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और जितने भी भाई बंधु आए उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि यहाँ पर आकर के हमने जो ये प्रोग्राम इन्होंने हर समय अपने योगदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे भी हम इनसे इसी प्रकार की उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे जो आज का जो कार्यक्रम है ये जो गेट लगाया है इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी था कि कॉलोनी यहाँ पर कौन सी है श्याम वाटिका कहाँ है नीरज विहार कहाँ है वो पूछते थे यहाँ पर पता नहीं चलता था बार बार फोन करते थे फिर या कुछ तो वापिस भी चले जाते थे यहाँ से लौट करके तो आप लोगों की सभी की तरफ से ये सुझाव आ रहे थे कि यहाँ पर अगर ऐसा कोई गेट तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम सभी ने मिल करके और इसका आयोजन किया गया है इसको लगवाया गया है और इसमें मुख्य योगदान सभी का रहा है उसके साथ में सुरेंद्र जी का नगर नंगली जी का भी काफी योगदान है इसके अंदर। अभी इसके बाद बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ साथ दूसरा जो हमारे इलाके के अंदर जो विकास की बात आती है यहाँ पर रोड पानी की बात आती है हम जो है क्यों वोट डालें किस लिए वोट डालते हैं फिर हम बात तो वहां आती है क्योंकि कई ऐसी जयपुर के अंदर बहुत सी कॉलोनी है जिनके अंदर बगैर अप्रूव के और रोड डले हुए सब जगह फिर तो हम जो है जेडीए के चक्कर लगाएंगे तो ये वोट डाली जाती है एक आशा के साथ डाली जाती है कि हमारे इलाके का अच्छा जो नेता चुन करके आए और हमारे इलाके का विकास होगा रोड और पानी बेसिक सुविधाएं हैं ये हमको मिल सके और आगे भी साहब आप लोगों को भी मैं सभी की तरफ से जो हमारे माता बहनाएं जो सभी यहाँ की जो कॉलोनियां हैं निवारों की इन सब की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके तन मन धन से खड़े रहेंगे आपके पास में सभी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लेकिन एक सिर्फ जो हमारे रोड यहाँ से बैच जी का चौराहे से लेकर के जो ये रोड आया है मुख्य रोड है कि इसमें तकरीबन 50 कॉलोनियां इसके साथ में जुड़ी हुई है तकरीबन 50 कॉलोनियां हैं तो आज इस रास्ते से कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता कोई साधन लेकर के नहीं जा सकता है इसकी ये हालत है यहाँ पर ये तकरीबन होगी इससे उसके बाद में जो हमारी कॉलोनी है उसका तो आप देख ही चुके हैं साहब तो आपसे आशा है साहब और विनती भी है चीजों के बारे में हम सभी आशाएं लेकर के आए आपके पास में धन्यवाद साहब नगर डी कॉलोनी की तरफ से 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है गोविंद नगर डी को सभी लोग सम्मानित करेंगे अपनी तरफ से इसके पश्चात में श्याम वाटिका कॉलोनी की तरफ से 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है उनका भी सभी लोग ताली बजाकर सम्मान करेंगे इसके पश्चात में गणेश विहार कॉलोनी की तरफ से 1500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है उनका भी सभी लोग अपन सम्मान करेंगे और हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन साहब की तरफ से इस कार्यक्रम में 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है उनका भी एक हौसला अफजाई करेंगे महोदय सुरेंद्र सिंह जी नाथा जिला परिषद सदस्य की तरफ से 11000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है तहे दिल से तालियां बजाएं उनके स्वागत करें उनका हौसला अफजाई करें इसके बाद में श्री गजेंद्र सिंह जी नगणी सहायक समाज सेवी की तरफ से 11000 रुपए की राशि सहित प्राप्त हुई है और मैं नगणी जी के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगा ये हमारे समाज के एक ऐसे चेहरे हैं ऐसे एक समाज सेवी हैं जिनका समाज के हर कार्य में अहम योगदान रहता है चाहे वो कार्य कॉलोनी मंच पे विराजमान कैप्टन साहब और उपस्थित बड़ी संख्या में यानी आज की जो संख्या है अभी मैंने गजेंद्र जी से यही बात कर रहा था कि इन्होंने जो मीटिंग बुलाई आज यानी अपेक्षा से बड़ी मीटिंग है चुनावों के निमित्त इतनी बड़ी मीटिंग यहाँ नहीं हुई थी उससे बड़ी मीटिंग आज यहाँ है इसके लिए मैं एक बार सबको आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस मीटिंग के अंदर भी 70% महिलाएं हैं अच्छा लगा दूसरा चार पांच कॉलोनी में मिलकर जो गेट का निर्माण किया किसी सरकार की तरफ नहीं देखी ये एक बड़ी बात है जिसमें कुछ भामाशाहों ने अपना सहयोग दिया उनके लिए एक बार मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से उनका ताली बजा के सम्मान करें सभी उसमें भामाशाहों की आवश्यकता होती है और भामाशाहों के रूप में हमारे पास नंगली जी और अपने सुरेंद्र जी उपस्थित हैं हर काम में आगे रहते हैं अभी कैप्टन साहब यहाँ की व्यवस्था बता रही थी
ये पूरे निवारों की व्यवस्था है, आप सबको पता है। चुनाव के टाइम पे भी आपको पानी के लिए बताया गया था कि अप्रैल 25 इसकी डेडलाइन है, अप्रैल 25 लिख लो, अप्रैल 25 से बीसलपुर का पानी आपके प्रत्येक घर में, जो मोदी जी की योजना है नल से जल आए, वो व्यवस्था आप लोगों की हो। ये मैं कोई आज कोई चुनावी नहीं है और मैं ना कोई झूठ पकड़ करूंगा, जो व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अप्रैल 25 इसकी डेडलाइन है और उसके समय अवधि के अंदर पूरे निवारू में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी इन चार पांच किलोमीटर, पूरे निवारू के अंदर और आसपास की सभी पंचायतों के अंदर बीसलपुर का पानी आएगा, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप ही कह रहे थे भाई साहब कि हम गांव से जब आते हैं तो हम शर्मिंदा होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होना भी पड़ता है। गाँव की स्थिति आज शहर से अच्छी है, इसके पीछे कारण है वो आप सबको पता है कि ग्राम पंचायत की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो कॉलोनियों में पैसे नहीं लगा सकते, या पर सब पढ़े लिखे आदमी जानते हैं, किसी के ऊपर आक्षेप लगाना बहुत आसान है पर वास्तविकता यह है कि कॉलोनी के अंदर ग्राम पंचायत के पैसे नहीं लग पाते। ये एक नियम बना हुआ है, या तो इस नियम में सरकार संशोधन करे तो इससे पहले होगा, तो इसलिए गाँवों की स्थिति अपने शहर से अच्छी है। लेकिन मैं आपको फिर पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपनी जो सरकार बनी, उस सरकार को बनते केंद्र के चुनाव आए, आपको सबको पता है, और आचार संहिता लगी हुई है। आने वाले समय के अंदर केंद्र सरकार द्वारा आने वाला जो समय है उसमें आप सदैव जिस प्रकार से आपने फौज में सेवा करी है देश की, उसी प्रकार से यहाँ लोगों की भी आप तन मन धन से सेवा करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे अग्रणी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह जी साहब और सभी सम्मानित मंच में विराजमान समस्त अतिथिगण, साथ ही जो मेरे सामने विराजे हुए हैं समस्त कॉलोनी से पधारे हुए सभी नागरिक बंधु, सभी विकास समिति के पदाधिकारीगण, सभी मातृ शक्ति जो आज बड़ी संख्या में पधारी है। अभी शंकर जी साहब जिस प्रकार से बता रहे थे कि आज मातृ शक्ति इतनी बड़ी संख्या में पधारी है, तो मैं तो भाई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वयं इंद्रदेव को भी इस प्रोग्राम को आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ा है, तो मातृ शक्ति और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए इंद्रदेव भी आज पधारे और बढ़िया मौसम हो गया है। साथ ही जिस प्रकार से आप सभी विकास समिति के अध्यक्ष और साथ ही जो नागरिक बंधुओं ने यहाँ जो ये गेट का इनॉग्रेशन किया है, तो मैं आप सभी को जिस प्रकार से आपने पहल करी है ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। यदि इसी प्रकार से सभी विकास समिति के सदस्य सोचने लगेंगे तो क्षेत्र में विकास में कतई कमी नहीं रहेगी। अभी जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जो सड़क की समस्या है, तो मैं तो मेरी पर्सनल बता दूं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से निकल के आया हूं, और साथ ही जो ये वार्ड है 35 नंबर वार्ड, ये लगभग 70 किलोमीटर का वार्ड है, 17 ग्राम पंचायतें हैं, तो सभी में ज़्यादातर समस्याएँ जो है वो रोड और पानी की है। जहाँ तक संभव हो सका है, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने पैसा बताए थे कि 29,000 करोड़ सेंटर से आए थे जल जीवन मिशन के लिए, पर इन्होंने मात्र 7,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे, और जो जिन्होंने जो घपला किया है वो आज छुपते फिर रहे हैं। तो ये आने वाली सरकार, जो अभी मौजूदा सरकार है, इसमें कोई भी ऐसा बचेगा नहीं, और 25 तक हर घर में जल जीवन मिशन का जो योजना थी उसका पानी पहुंचेगा, उसके लिए मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए आदरणीय मुकेश जी ने, नारायण सिंह जी ने, गजेंद्र सिंह जी ने, गरीबा साहब ने, हम सब ने मिलकर लगभग 2 महीने पहले पूरे यहाँ की योजनाबद्ध तरीके से हमने आदरणीय मंत्री जी को भी दिया था, और मंत्री जी के यहाँ से हमारे पास वापस भी आया है कि जो पेराइटी में बड़ी रोड है एक बार उसका अब काम जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, तो उसके लिए हम वापस चुनाव के बाद में, चुनाव भी हो गए, आचार संहिता हटते ही हम मंत्री जी से वापस मिलेंगे। और जो ये क्षेत्र की बड़ी रोड है जो बैद जी के चौराहे से लेकर बोयता वाला तक जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द हम इसको बनवाने में पूरी और कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है, और इसी के साथ में जो भी मतलब मुख्य अतिथि है, इन लोगों ने हमारे को विश्वास दिलाया कि यहाँ पर एक साल में, आने वाले एक साल में पानी पहुँच जाएगा और रोड्स बन सकती है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो में मजा आएगा। मिलते हैं ऐसे को अच्छे से ब्लॉग के अंदर। टिल देन, खुदा हाफिज़। नमस्ते, बाय बाय।